हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से ट्रांसफ़र करना ही कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज़ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जहाँ से इंफॉर्मेशन आता है उसको कहते हैं सोर्स, और जहाँ तक इंफॉर्मेशन को पहुँचना रहता है उसको कहते हैं डेस्टिनेशन। तो टोटल जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, जैसे अभी क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? हम हैं, ठीक है। मेरे से इंफॉर्मेशन बाकियों तक जा रहा है वीडियो के थ्रू। ओके, तो यहाँ इंफॉर्मेशन के सोर्स हम हैं, डेस्टिनेशन क्या हुआ? टू ऑल द व्यूअर्स। ओके, और मीडियम क्या हुआ? वी आर यूट्यूब मीडियम। ओके, तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर होना चाहिए जो कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा, एक रिसीवर होना चाहिए जो कि इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा। तो कम्युनिकेशन अगर पूछता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो क्या होगा? द प्रोसेस इन विच इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। नाउ कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या होगा? एक होता है इनपुट ट्रांसड्यूसर, एक आता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। अभी ट्रांसड्यूसर मतलब क्या होता है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सिग्नल को कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स सिग्नल और एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो ये टोटल जो कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम है उसमें सबसे पहले क्या है? सोर्स, जहाँ की हमारा मैसेज इनपुट रहता है। सोर्स हमारा मैसेज इनपुट है, इस मैसेज इनपुट को हम लोगों को आगे भेजना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? मैसेज इनपुट को हम लोग इनपुट ट्रांसड्यूसर में डालेंगे। वो क्या करेगा? मैसेज इनपुट जिस भी फॉर्म में है उसको एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो कि ट्रांसमिट हो पाए, ठीक है। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर के बाद हमारा यहाँ पे मैसेज सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। किस फॉर्म में? तो जो फॉर्म डिजायरेबल है ट्रांसमिशन के लिए। यहाँ पे मैसेज सिग्नल आने के बाद ये जाएगा ट्रांसमीटर में जो कि ट्रांसमिट करेगा। तो यही ट्रांसमीटर में होता है मॉड्यूलेशन, ठीक है। जो मॉड्यूलेटर रहता है वो ट्रांसमीटर में ही रहता है, और जो भी सिग्नल का मॉड्यूलेशन होता है वो ट्रांसमीटर में ही होता है। मॉड्यूलेशन में क्या होगा? जो भी मैसेज सिग्नल हम लोग यहाँ दे रहे हैं वो मॉड्यूलेट हो जाएगा, वो मॉड्यूलेट करेगा कैरियर फ्रिक्वेंसी को हायर फ्रिक्वेंसी के लिए। अब हायर फ्रिक्वेंसी पे क्यों हम लोग ये करते हैं, मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, वो भी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। ट्रांसमीटर के बाद, मॉड्यूलेट होने के बाद मैसेज सिग्नल चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चैनल में कुछ नॉइज भी होगा, कुछ डिस्टॉर्शन होगा, जो कि जो मैसेज सिग्नल हम लोग यहाँ भेज रहे हैं तो कुछ नॉइजी और उसका कुछ डिस्टॉर्टेड वर्जन हम लोग को रिसीवर पे मिलेगा। अब ट्रांसमीटर का ऑपोजिट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा रिसीवर। ट्रांसमीटर में हम लोग मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे थे, रिसीवर में डी मॉड्यूलेशन यूज़ करेंगे, ओके। अब रिसीवर के बाद हम लोग को डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ मिल जाएगा, उस डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल को डिजायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमारा आउटपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर इज एन एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइस, मींस इट कन्वर्ट्स एनर्जी इन मोबाइल। माइक्रोफोन इज द इनपुट ट्रांसड्यूसर, दैट इज फॉर द स्पीच और वॉइस टू गेट ट्रांसमिटेड। हमारे मोबाइल में जो कि हम लोग बात करते हैं उसमें एक माइक्रोफोन लगा रहता है, तभी आपका स्पीच सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है, ओके। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका स्पीच सिग्नल डायरेक्टली दूसरे फोन में नहीं चला जाता है, वो ट्रांसड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसके बाद वो दूसरे के मोबाइल पे जाता है, डेस्टिनेशन मोबाइल पे जाता है, और वहाँ पे वापस से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है साउंड सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है हमारे फोन में? हमारा स्पीच या वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना, और डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर में आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या है? हमारा स्पीकर है। स्पीकर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में बदल रहा है, ओके। तो वॉइस के केस में माइक्रोफोन है इनपुट ट्रांसड्यूसर, पिक्चर के केस में, इन केस ऑफ पिक्चर इनपुट ट्रांसड्यूसर इज वीडियो कैमरा। जो भी टीवी में आप लोग पिक्चर देखते हैं या वीडियो देखते हैं वो कैसे होता है? हमारा जो कैमरा रहता है वो क्या करता है? लाइट एनर्जी या फिजिकल एनर्जी को वो चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो ट्रांसमिट होता है, और वापस से आउटपुट ट्रांसड्यूसर पे क्या होता है? वो जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब ये सभी जो भी मैसेज सिग्नल है उसको बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। यहाँ पे लिखा है बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल इसलिए
क्योंकि ये डायरेक्टली ये जो मैसेज सिग्नल है वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन सोर्स से जनरेटेड रहता है, ये बिना मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ओके, तो अगर इस ब्लॉक डायग्राम को और अच्छे तरीके से समझना है तो हम लोग एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते हैं हम फोन किए किसी को, हम जो बोल रहे हैं वो है मैसेज इनपुट, ठीक है, मेरा जो स्पीच सिग्नल है वो मैसेज इनपुट है। अब क्या हो रहा है, इनपुट ट्रांसड्यूसर में हो जाएगा, मतलब मेरे फोन में जो माइक्रोफोन है वो क्या करेगा, मेरे स्पीच को कन्वर्ट करेगा हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ओके, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिट करने के लिए कोई एंटीना चाहिए, ठीक है, ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिट करने के पहले वो इसको मॉड्यूलेट करेगा ताकि वो हायर फ्रीक्वेंसी पे चला जाए, क्योंकि ये है मेरा यहाँ जो मैसेज सिग्नल है ये है बेस बैंड सिग्नल, इसका फ्रीक्वेंसी लो है, स्पीच सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बहुत लो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर एंटीना बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज लगेगा एंटीना बनाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करके मॉड्यूलेट कर देते हैं। मॉड्यूलेट करने के बाद यहाँ मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है जो कि ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग को एंटीना साइज छोटा लगता है, इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। यहाँ स्मॉल एंटीना साइज लगेगा तो अब ये हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल है वो चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होगा, इस चैनल में कहीं पे नॉइज और डिस्टॉर्शन भी होगा जिसके कारण सिग्नल जो है थोड़ा सा नॉइजी होगा, फिर वो चैनल पास करके रिसीवर के पास जाएगा, मतलब कि दूसरे फोन के पास जाएगा, दूसरे फोन में क्या होगा, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था वो अब यहाँ पे डीमॉड्यूलेट होगा, मतलब अगर यहाँ पे FM सिग्नल था वो और यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी FC था, तो जो ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, FC प्लस FM या FC माइनस FM। ओके, जो ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी है रिसीवर में जाके क्या होगा, वो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला चीज़ है वो हट जाएगा, डीमॉड्यूलेटर में क्या होगा, FC प्लस FM और FC माइनस FM से कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो हटा दिया जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ FM का कंपोनेंट मिलेगा, मीन सिर्फ मैसेज सिग्नल मिलेगा। अब उस मैसेज सिग्नल वो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, तो सामने वाला के फ़ोन में अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो हम जिसको फ़ोन कर रहे हैं उसके पास आवाज़ कैसे जाएगा, ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमको मिला वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा साउंड सिग्नल में, किसके कारण, आउटपुट ट्रांसड्यूसर के कारण। आउटपुट ट्रांसड्यूसर दूसरे के फ़ोन में क्या होगा, स्पीकर होगा, वो जो स्पीकर है वो क्या करेगा, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और हम लोग को आउटपुट मैसेज मिलेगा। देखते हो मोबाइल का अगर स्पीकर ख़राब हो जाता है तो आवाज़ नहीं आता है, आवाज़ नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तक का पोर्शन काम नहीं कर रहा, अगर किसी के मोबाइल का स्पीकर ख़राब हुआ है तो वो रिसीव भी कर रहा है, सिग्नल जो है डीमॉड्यूलेट भी हो रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा, मतलब हमको ये जो आउटपुट मैसेज है वो नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि आउटपुट ट्रांसड्यूसर काम नहीं कर रहा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट नहीं कर रहा है साउंड सिग्नल में, इसीलिए आवाज़ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन सिग्नल फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन मतलब उसको भेजना, तो भेजने के लिए जो भी प्रोसेसिंग करना होगा इंफॉर्मेशन सिग्नल पे वो ट्रांसमीटर करता है, जैसे कि मॉड्यूलेशन। फिर चैनल, चैनल बेसिकली मीडियम है जिसके थ्रू सिग्नल पास करता है, तो मीडियम क्या क्या हो सकता है, मीडियम लाइक ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर, ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर जो जनरली घरों में होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव लिंक्स, सैटेलाइट चैनल्स, रेडियो लिंक, वायरलेस चैनल्स विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन, जो चैनल में फिजिकल कनेक्शन होता है मतलब वायर के थ्रू होता है वो वायर्ड चैनल होता है, जैसे हम लोग एंटीना का यूज़ जो करते हैं वो वायरलेस चैनल है क्योंकि उसमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो द टेक्निक अप्लाइड ऑन द एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग कम्युनिकेशन टेक्निक, ठीक है, जो भी टेक्निक हम लोग एनालॉग सिग्नल पर करेंगे उसको कहेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन और टेक्निक, ठीक है। अब ट्रांसमीटर के बारे में देख लिए, ठीक है, चैनल के बारे में देख लिए, चैनल में क्या था, नॉइज था, नॉइज क्या होता है, रैंडम अनवांटेड अनडिटर्मिनिस्टिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नॉइज रैंडम होता है मतलब फिक्स नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे इतना dB नॉइज होगा, ऐसा नहीं है, अनवांटेड मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं कि नॉइज हो, अनडिटर्मिनिस्टिक मतलब इसका कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं निकल पाता है, नॉइज का कोई भी मैथमेटिकली कुछ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैथमेटिक्स के हिसाब से इतना dB नॉइज होगा, वो रैंडम है और उसका कोई मैथमेटिकल एनालिसिस या क्वांटिफाई हम लोग नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो नॉइज़ बहुत टाइप का होता है, एक्सटर्नल नॉइज़, इंटरनल नॉइज, नॉइज़ के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल नॉइज सोर्सेज सच एज थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक आर्क्स, फॉल्टी कनेक्शंस। इंटरनल नॉइज सच एज रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर ड्यू टू थर्मल एनर्जी, दिस नॉइज इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल नॉइज। नॉइज के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नॉइज से होते हुए, चैनल से होते हुए जो हमारा सिग्नल है वो जाता था रिसीवर में,
रिसीवर क्या करता है, इट रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल आया है मॉड्यूलेट होकर के, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसको वो एक्सट्रैक्ट करेगा। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या था, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, तो वो एक्सट्रैक्ट करके हमको क्या देगा, सिर्फ एफ एम देगा। ठीक है, तो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल इज द इन्फॉर्मेशन सिग्नल, मैसेज सिग्नल देगा डीमॉड्यूलेट होने के बाद। रिसीवर के बाद वो कहाँ जाएगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर में, आउटपुट ट्रांसड्यूसर भी उसको नेसेसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो अगर हमको साउंड चाहिए तो साउंड के लिए आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या है, लाउड स्पीकर। ठीक है, ऐसे भी माइक और स्पीकर जो देखते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और अगर पिक्चर के लिए देखा जाए तो पिक्चर का आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सीआरटी। ठीक है, सीआरटी ट्यूब जो होता है टीवी में वो क्या है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, अब मॉड्यूलेटर क्या होता है, मॉड्यूलेटर ऐसा है जिसमें कि मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक लाइक एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड इन अकॉर्डेंस टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसका डेफिनेशन काफ़ी बड़ा लगता है देखने में, पर अगर कोई समझ गया है तो वो अपने से भी लिख सकता है इसको। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक, सिग्नल का कैरेक्टरिस्टिक होता है जैसे एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी या फेज। तो हम लोग एक हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं जिसको कि कैरियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कैरियर सिग्नल कहते हैं, उस कैरियर सिग्नल का या तो एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या फेज हम लोग चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, हमारा जो मैसेज सिग्नल रहता है जो कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग, मेरे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड जिस तरीके को होगा एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग हम लोग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी या फेज चेंज करते हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल चेंजेस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइज कम होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो सिग्नल होता है वो जो हमारा मैसेज होता है इन्फॉर्मेशन होता है वो इनवेलप में या फिर एम्पलीट्यूड में कंटेन नहीं होता है, वो कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में जाता है। और नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ अफेक्ट करता है ज़्यादातर एम्पलीट्यूड को, फ्रीक्वेंसी को बहुत कम अफेक्ट करता है। अगर कोई नॉइजी सिग्नल है तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज उतना नहीं करता है लेकिन एम्पलीट्यूड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमारा जो नॉइज है वो कम रहता है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट वाइज भी। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का सबसे पहला चीज़ है प्रैक्टिकल एबिलिटी ऑफ एंटेना साइज, मतलब मॉड्यूलेशन के कारण हम लोग एंटेना साइज को प्रैक्टिकल बना पाते हैं। द साइज ऑफ एंटेना फॉर एफिशियंट रेडिएशन इज गिवन बाय 1/10 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल बाई यूजिंग रिलेशनशिप सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये क्या कहता है कि अगर हम लोगों को कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजना है, मान लेते हैं F1 या F उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ लैम्डा भी होगा। किसी भी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों होता है, तो अगर वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी एफ है तो उस सिग्नल को भेजने के लिए जो एंटीना का साइज होना चाहिए वो लगभग 1/10 होना चाहिए। किसी किसी बुक में 1/4 भी है, मीन्स क्वार्टर वेवलेंथ भी है, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहें। तो वो एंटीना साइज जो है या तो 1/10 होना चाहिए या फिर 1/4 होना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हम लोग मॉड्यूलेशन नहीं कर रहे और सी तो आप लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग को स्पीड सिग्नल भेजना है बिना एंटेना के, मान लेते हैं बिना मॉड्यूलेशन के, सॉरी स्पीच सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है 300 Hz to 3.4 kHz, मैक्सिमम 3.4 kHz हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमको ये फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजना है। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा क्या हो जाएगा इस रिलेशनशिप से, सी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो एफ दिया हुआ है, लैम्डा क्या हो जाएगा, सी बाय एफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और सभी को ये चीज़ आना चाहिए कि अगर किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा या फिर वेवलेंथ दिया है तो उसका फ्रीक्वेंसी निकाल पाए। ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है और आप लोग को ही सीखना चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, लैम्डा क्या हो जाएगा, सी बाय एफ। तो सी का हम लोग को वैल्यू पता है, एफ क्या है 3.4 kHz। यहाँ पे आप लोएस्ट, मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से किया है, आप हायर वाली फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हैं। तो आया लैम्डा का साइज 10⁶ मीटर, मतलब ये जो स्पीच सिग्नल है 300 Hz के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा जो वेवलेंथ है वो है 10⁶ मीटर। अब हम लोगों ने अभी देखा कि एंटीना साइज कितना होना चाहिए, 1/10। तो 10⁶ मीटर का 1/10 क्या हो गया, 10⁵, मतलब साइज ऑफ एंटीना शुड बी 10⁵ मीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। 10⁵ मीटर का एंटीना प्रैक्टिकल नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन सिग्नल वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ एंटीना।
अब यहाँ पे क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा साइज जो है एंटीना का वो रिड्यूस हो, इसके लिए हमको लैम्डा रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, लैम्डा रिड्यूस कब होगा, जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसीलिए अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं इस सिग्नल का तो एंटीना साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल लेते हैं और उसको मॉड्यूलेट करते हैं मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, इसीलिए मॉड्यूलेशन से हमारा जो एंटीना साइज है वो कम हो जाता है और एंटीना प्रैक्टिकल हो जाता है। ओके, सेकंड जो इसका मॉड्यूलेशन का जरूरत होता है वो होता है मल्टीप्लेक्सिंग में। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, इट इज अ टेक्निक बाय विच अ नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली थ्रू अ सिंगल चैनल। मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग दो, एक या एक से ज्यादा सिग्नल को एक साथ कंबाइन करके एक ही चैनल से भेजते हैं। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो लोग आपस में इंटरफेयर करेगा। अगर सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, मान लेते हैं स्पीच सिग्नल है, तीन आदमी है, तीन आदमी बोल रहे हैं, तो तीनों का जो रेंज होगा वो बोल रहा है तो वो स्पीच सिग्नल के ही रेंज में होगा, 300 to 3.5 kHz। अब अगर उसको एक साथ कंबाइन करके भेजेंगे तो क्या होगा, वो सारा इंटरफेयर करेगा। तो मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, तीन सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट करते हैं ताकि उन लोग तीनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग हो जाए, उसके बाद तीनों को एक साथ एक चैनल से भेजते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, टाइम डिवीजन। मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में हमने अलग से वीडियो अपलोड किया है FDM के लिए भी और TDM के लिए भी। सेम हार्डवेयर एंड सेव द कॉस्ट ऑफ सिस्टम। मल्टीप्लेक्सिंग के कारण क्या होता है, हमारा हार्डवेयर कॉस्ट बच जाता है। क्यों, क्योंकि जहां हम लोग को तीन सिग्नल भेज, मान लेते हैं ये तीन सिग्नल भेजना है, तीन सिग्नल के लिए तीन चैनल चाहिए था, तीन चैनल के लिए तीन ट्रांसमीटर चाहिए, तीन रिसीवर चाहिए, सारा कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री से। लेकिन जब हम सिंगल चैनल से तीन सिग्नल भेजेंगे तो हमें सिर्फ एक ट्रांसमीटर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए। ठीक है, थ्री डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मॉड्यूलेटेड विथ थ्री डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। हम लोग तीन सिग्नल को तीन डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट कर दिए हैं। रेंज ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज नाउ डिफरेंट, सो चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस इज रिड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे FC1, FC2, FC3 ये तीनों डिफरेंट है, तो हमारा जो मॉड्यूलेशन का चांस है, सॉरी इंटरफेरेंस का चांस है, वो रिड्यूस हो गया मॉड्यूलेशन। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन का, वह है टेलीफोन सिग्नल्स। टेलीफोन सिग्नल जो लैंडलाइन सिग्नल्स होता है वो मल्टीप्लेक्स ही होकर के जाता है। थर्ड जो इसका यूज है मॉड्यूलेशन का, वो है रिडक्शन ऑफ नॉइस। मॉड्यूलेशन में जो मेन रिडक्शन ऑफ नॉइस होता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नहीं होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड में रहता है, तो नॉइज उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन फ्रीक्वेंसी, तो नॉइज फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है लेकिन एम्पलीट्यूड को ज़्यादा इफेक्ट करता है। सर्टेन मॉडर्न टेक्निक्स लाइक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग नॉइज बाय इट्स प्रोसेस। ये हम देख सकते हैं, अगर ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो क्या करेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा इस AM के अकॉर्डिंग। तो हम लोग देखेंगे अगर एम्पलीट्यूड में मैसेज कंटेंड है तो वो नॉइज नॉइजी होगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी में कंटेंड है तो वो नॉइजी नहीं होगा। इफ नॉइज सिग्नल एड्स टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल देन इन्फॉर्मेशन इज डिस्टॉर्टेड एज इन AM, इन्फॉर्मेशन इज कंटेंड इन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो हम लोग जानते हैं AM में एम्पलीट्यूड में कैरियर सिग्नल, जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसमें इन्फॉर्मेशन रहता है, तो अगर नॉइज जो है उसका ये नेचर होता है कि वो एम्पलीट्यूड में ऐड हो जाता है। तो अगर हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड में अगर नॉइज सिग्नल ऐड हो जाएगा तो जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो डिस्टॉर्टेड मिलेगा, नॉइजी मिलेगा। ओके, तो बेसिकली जो मॉड्यूलेशन करता है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, मतलब एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में बदल देता है। फोर्थ यूज है मॉड्यूलेशन का नैरो बैंडिंग में। नैरो बैंडिंग मीन्स किसी भी वाइड बैंड सिग्नल को हम लोग नैरो बैंड में बदल देते हैं जो कि नॉइस रिड्यूस करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है टीवी सिग्नल। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।